एक गोह सॉप गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल गेन्स के सेकेंड लेक्चर में शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं सो दिस इज मी

ट right? लेकिन अगर आप और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर्ड मिलते हैं और आइकॉनिक में आपको इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटीरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है अगर एक बार आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अंदर जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर एनी पर्टिकुलर एजुकेटर और फॉर एनी पर्टिकुलर बैच राइट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपन अकेडमी की वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सीए इंटरमीडिएट पर आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा यहाँ आप क्लिक करेंगे सीए इंटरमीडिएट पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे प्लस या आइकॉनिक बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं बट क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए मैं यहां पर आपको प्राइसेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि प्राइसेस अक्सर चेंज होते रहते हैं कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं और बाकी आपके जो भी वेबसाइट पर प्राइस दिख रहा हो वही आपका प्राइस हो जाता है और उस पर अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं निश टेन एन आई एस एच वन जीरो अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं निश टेन तो आपको मिल जाता है फ्लैट टेन परसेंट का डिस्काउंट ठीक है सर हम लोग स्टार्ट करते हैं, याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि ये 45 के आगे ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको सेक्शन बोलते हैं या क्लॉज बोलते हैं कब क्या बोलते हैं ठीक है थीके? तो मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर ये ब्रैकेट वाली चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आपस में लिंक्ड नहीं है जैसे कि सेक्शन टू के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो कोई लिंकेज थोड़ी होती है उनमें ठीक है ना वो तो आपकी एक तरह से डिक्शनरी हो जाती है तो वो उनको क्लॉजेस बोलते हैं लेकिन अगर यहां पर सेक्शन के आगे जो ब्रैकेट है उन ब्रैकेट वाले जो न्यू नंबर्स uh, है उनमें लिंक है तो फिर उनको हम लोग सब सेक्शन बोलते हैं तो दिस इज सेक्शन फोर्टी फाइव ये क्या कहता है ये कहता है कि एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड शैल बी डी टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस राइट right? तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट दे शुड बी ए कैपिटल एसेट सेकंड दे शुड बी ट्रांसफर्ड एंड थर्ड इट विल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस ठीक है वाली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाई थी उसके बाद मैंने आप लोगों को कैपिटल एसेट का मीनिंग बताया था कैपिटल एसेट के मतलब में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो चाहे वो टैंजेबल हो चाहे वो इनटैंजब हो अगर उसको एस ने होल्ड किया हुआ है और चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो तो वो आपका कैपिटल एसेट हो जाता है इसमें हम लोगों ने कहा था कि यार ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी क्यों क्योंकि अगर मेरे बिजनेस में स्टॉक है तो उसको भी आप बोल दोगे कैपिटल एसेट है तो अगर मैं स्टॉक बेचता हूं तो उस स्टॉक को बेचने से जो भी मेरा पैसा बिजनेस इनकम में जाता है उस पर आप बिजनेस इनकम में भी टैक्स लोगे और फिर आप कह रहे हो कि कैपिटल एसेट भी मानेंगे तो कैपिटल एसेट में भी टैक्स लोगे कैपिटल गेन्स पे भी टैक्स लोगे तो ये तो गलत हो जाएगा तो सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक बात है तो इसलिए सरकार ने कुछ एक्सक्लूजन बनाए सरकार ने सबसे पहले कहा कि स्टॉक इन ट्रेड चाहे वो रॉ मटीरियल हो चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो चाहे वो फिनिश गुड्स हो हम लोग स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट कंसिडर

ठीक है लेकिन हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पर्सनल इफेक्ट्स के कुछ छह सात एक्सेप्शंस भी है एक्सक्लूजन है जेडीपी साओ याद आ रहा है आपको ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट जेडीपी साओ ज्यूलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर जिकल anyway, in तो कर तो वो भी आपका कैपिटल एसेट नहीं कहलाया जाएगा और उसके बाद गोल्ड से रिलेटेड कुछ स्कीम्स थी आपके पास इनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है ठीक है ये जितने भी गोल्ड वाली स्कीम्स होती है बेसिकली ये प्रमोट करने के लिए होती है कि अब जैसे गोल्ड है मैं गोल्ड लेकर रखूंगा ठीक है अभी मैं अगर गोल्ड बेचूंगा जैसे हम लोगों ने बात की थी पर्सनल एसेट में एक्सक्लूडेड राइट तो अब ज्वेलरी में क्या आता है गोल्ड वगैरह वाली चीजें आ जाती हैं तो अगर मैं गोल्ड रखूंगा तो पहली चीज मेरे पास सेफ्टी नहीं है ठीक है पहली चीज मेरे पास गोल्ड के लिए तो बहुत परेशान रहूंगा ना मैं यार सेफ है नहीं है कोई भी डाका डाल के बहुत सारा सोना चुरा के ले जा सकता है ठीक है पहली चीज गोल्ड की सेफ्टी दूसरी चीज अगर मैं गोल्ड को बेचूंगा तो उस पर कैपिटल गेन्स लग जाएंगे नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि ये गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम निकाली सोने को ना आप सोने के फॉर्म में मत रखो आप उसको बॉन्ड्स वगैरह के फॉर्म में उस हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और उस पर फिर उसको और एडेड एडवांटेज देने के लिए कह दिया कि उसको कैपिटल एसेट भी नहीं मानेंगे मतलब अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह वापस किए तो फिर बॉन्ड्स वगैरह अगर आप लोगों ने बेचे गोल्ड के तो फिर उसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये कैपिटल एसेट लाओ इस पर कैपिटल गेंस दो सोना अगर बेचोगे तब तो उस उसपे चार्ज किया ही जाएगा ठीक है एनीवे वे फिर हम लोगों तो ने बात की थी पर्सनल इफेक्ट्स के बारे में पर्सनल इफेक्ट्स में हम लोगों ने कहा था कि पर्सनल इफेक्ट्स क्योंकि कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसके ट्रांसफर पर हमें कोई भी कैपिटल गेंस टैक्स नहीं देना होता लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे जेडीपी साव ज्वेलरी ड्राॅइंग पेंटिंग के आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ज्वेलरी में हम लोगों ने बात की थी कि ज्वेलरी क्या होता है ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और एनी प्रेशियस मेटल्स या अगर आपकी कोई नॉन ज्वेलरी आइटम भी है लेकिन उसमें प्रेशियस मेटल्स गड़े हुए हैं तो वो भी आपका ज्वेलरी हो जाता है मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस बॉटल का ढक्कन में गोल्ड का बना दू तो ये बॉटल भी मेरा ज्वेलरी में कंसिडर कर लिया जाएगा तो इवन दो दिस बॉटल इज यूज बाई मी फॉर माई पर्सनल यूज ठीक है लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें ये ज्वेलरी वाला पोर्शन आ जाएगा इसे जब मैं इस बॉटल को बेचूंगा तो ये कैपिटल एसेट बन जाएगा और इस पे आने वाली जो भी इनकम होगी उस उसमें मुझे सरकार को कैपिटल गेंस का टैक्स पे करना पड़ जाएगा ड्रॉइंग्स पेंटिंग्स कल्चर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी फॉर एनी ऑफ द अब ऑफ दबर ट्रांसफर्ड कैपिटल गेंस अराइव ठीक है ये तो हुई कल की बात जितना हम लोगों ने कल किया था पिछले सात मिनट में हम लोगों ने कल वाली क्लास को रिवाइज कर लिया अभी आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं मैंने आप लोगों से कहा था हमें डिस्कशन करना है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का ठीक है कैपिटल गेंस में जो कैपिटल गेंस की डेफिनेशन है उसके एक एक्सेप्शन में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया है ठीक है पहला एक्सेप्शन स्टॉक एंड ट्रेड दूसरा एक्सेप्शन पर्सनल इफेक्ट तीसरा एक्सेप्शन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया ना वट मीन बाई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ठीक है तो देखो एनी एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट सर वाह क्या कमाल की बात बोल दी? ये तो हमें ऑलरेडी पता था एनी एग्रीकल्चरल लैंड एनी एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन ए रूरल एरिया इज नॉट ट्रीटेड एस ए कैपिटल एसेट ये तो हमें पता था लेकिन रूरल एरिया का क्या मतलब है ठीक है देखो एग्रीकल्चरल लैंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब जिसपे खेती बाड़ी होती है यानी कि आपने एग्रीकल्चरल लैंड की आड़ में मॉल खड़ा कर दिया ठीक है तो मॉल वॉल वाली जमीन नहीं कमर्शियल जमीन नहीं ठीक है आपको खेती बाड़ी वाली जो जमीन है वही लेनी होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी ठीक है अभी एग्रीकल्चरल लैंड आपकी रूरल एरिया में होगी तभी उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा तभी उसके ट्रांसफर पर कोई भी अगर प्रॉफिट आता भी है तो आपको सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट द क्वेश्चन कि ये रूरल एरिया का मतलब क्या होता है तो अब ऐसी डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दिल थाप कर बैठिए रूरल एरिया की डेफिनेशन रूरल एरिया मीन एरिया विच इज नॉट एन अर्बन एरिया सर क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ मजाक मैं नहीं कर रहा हूं मजाक तो कानून ने किया है हमारे साथ मजाक मैं नहीं कर रहा हूं मजाक कानून ने किया है हमारे साथ जो कानून कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर एरिया रूरल एरिया मींस एरिया इज नॉट अर्बन एरिया तो सर ये बता दो अर्बन एरिया क्या है हाँ ये बता देता हूं मैं ठीक है पहले आप लोग इसका स्क्रीन ले लो अब आ जाओ देखते हैं अर्बन एरिया का क्या मतलब है ठीक है तो अभी बात समझना बहुत ध्यान से सरकार कहती है कि अगर किसी म्यूनिसिपालिटी कोई कोई आपका एरिया है ठीक है जिसकी म्यूनिसिपालिटी रिकॉर्ड्स से पता चल रहा है कि उस एरिया की पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है ठीक है अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी की अगर किसी एरिया की म्यूनिसिपैलिटी uh, के रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि उस एरिया की पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है तो उसको हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं ठीक है थीके? मतलब आसान भाषा में अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन दस हजार से कम है तो वो आपका रूरल एरिया कहलाया जाता है ठीक है तो आप किसी भी गांव में अगर जाएं, वहां पर बढ़िया सी आलिशान फैसिलिटीज आप खड़ी कर दें और वहां पर की पॉपुलेशन सिर्फ दस हजार से कम हो वहां की पॉपुलेशन दस हजार से कम हो तो फिर वो आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड यानी वो आपका रूरल एरिया बन जाता है लेकिन बात यहां पर आकर खत्म नहीं होती है सरकार कहती है कि अगर आपकी पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है लेकिन एक लाख से कम है सरकार कहती है अगर आपकी पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है लेकिन एक लाख से कम है तो उस एरिया को तो हम अर्बन मानेंगे ही मानेंगे उस एरिया को तो हम अर्बन मानेंगे ही मानेंगे देखो अर्बन एरिया क्या होता है अर्बन एरिया इज एनी एरिया जिसकी पॉपुलेशन इज मोर देन टेन थाउजेंड ठीक है टेन थाउजेंड तक की पॉपुलेशन तो रूरल एरिया टेन थाउजेंड से ज्यादा की पॉपुलेशन तो अर्बन एरिया ठीक है समझना बात को तो सरकार ने कहा अगर दस हजार से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो अर्बन एरिया राइट अच्छा अब अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन दस हजार से तो ज्यादा है लेकिन एक लाख से कम है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया कहलाएगा ही कहलाएगा समझना वो एरिया तो अर्बन एरिया कहलाएगा ही कहलाएगा उसके आगे का दो किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया कहलाएगा चाहे उसके आगे के दो किलोमीटर वाले एरिया में दस हजार से कम ही पॉपुलेशन क्यों ना हो ठीक है समझना बात को जिस एरिया की पॉपुलेशन दस हजार है जिस एरिया की पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है वो एरिया तो आपका रूरल वो एरिया तो आपका अर्बन एरिया है ही ठीक है अगर पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा और एक लाख से कम है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया है ही उसके आसपास दो किलोमीटर तक के रेडियस का एरिया भी अर्बन एरिया कहलाया जाता है अगर पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा और दस लाख से कम है अगर पॉपुलेशन एक लाख से भी ज्यादा है और दस लाख से कम है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया है ही उसके आसपास का छह किलोमीटर के रेडियस का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाता है ठीक है और अगर पॉपुलेशन दस लाख से भी ज्यादा है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया है ही उसके आसपास का आठ किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया बन जाता है यह है सर ठीक है एक एरिया ये बीच वाला गोला जो है इसकी पॉपुलेशन अगर दस हजार से ज्यादा है ठीक है तो ये गोला वाला एरिया जो है ये तो आपका आ, अर्बन एरिया बनी जाएगा लेकिन अगर पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा अप टू वन लाख है तो इस एरिया के दो किलोमीटर वाला एरिया भी आपका पूरा का पूरा अर्बन एरिया बन जाएगा अगर पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा दस लाख तक की है तो ये एरिया तो अर्बन एरिया है ही लेकिन यहां से यहां छह किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा ठीक है अगर पॉपुलेशन आपकी दस लाख से ज्यादा है तो ये एरिया तो अर्बन एरिया है ही इसके इधर का आठ किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया बन जाएगा ठीक है तो अगर कोई लैंड ऐसी जगह पर सिचुएटेड है तो वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहेगी वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी और उस पर उसको बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको सरकार को कैपिटल गेन्स देना पड़ जाएगा ठीक है नाउ टू क्वेश्चन सर ये पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी तो टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करती है ठीक है जनगणना को जो है वो सेंसस को पॉपुलेशन सेंसस उसको बोलते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस को अपडेट करती है टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो अभी यहां पर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से पता चलेगा सेंसस के रिकॉर्ड से पता चलेगा पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड से पता चलेगा कि किस म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉपुलेशन है वो क्या है ठीक है अब जाहिर सी बात है हर मिनट बच्चा पैदा हो रहा है हर मिनट कोई इंसान मर रहा है ठीक है तो जिस मोमेंट पे पॉपुलेशन जो भी आपका लास्ट कंडक्टेड पॉपुलेशन सेंसस था उस पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से देखा जाएगा बेसिकली ठीक है जो भी आपका लास्ट कंडक्टेड पॉपुलेशन सेंसस था उस सेंसस के हिसाब से इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी थी वही मानी जाएगी उसके बाद चाहे कितने ही मरे हो कितने ही पैदा हुए हो हु, कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीज अरे डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा एरियली ठीक है ये एरियली डिस्टेंस मेजर किया जाएगा मतलब आप सीधा देखोगे रोड वाइज डिस्टेंस नहीं देखोगे कि दो किलोमीटर आगे तक की सड़क या चार किलोमीटर आगे तक की सड़क ठीक है क्योंकि हो सकता है ना आप ऐसी टेढ़ी 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 मेढी 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 सड़क बना दो किलोमीटर आपने ऐसी टेढ़ी टेढ़ी मेढी मेढी सड़क करके बना दिया मतलब अगर आप यहां से जा रहे हो अगर आप इस पॉइंट से निकले ठीक है इस पॉइंट से आप निकले और आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढी रोड्स बना के आप यहां पर आ गए ठीक है आप बोलो सर मेरे को तो दस किलोमीटर लग गए यहां पर आने में ठीक है तो इस एरिया में ये दस किलोमीटर अगर मेरे को लग गए इस एरिया में तो ये वाला एरिया तो आपका दो किलोमीटर से तो बाहर चला गया तो सरकार ने कहा नहीं हम देखेंगे अगर एक चिड़िया यहां से निकल के उड़ती और यहां पर आती तो एक चिड़िया को कितना टाइम लगता चिड़िया को कितने किलोमीटर लगते एज अ बर्ड फ्लाइज या आप अगर प्लेन में बैठ के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते तो कितने किलोमीटर होते तो एरियल डिस्टेंस यहां पर लिया जाता है ठीक है जी डिस्टेंस लिया जाता है तो दो क्वेश्चन जो थे पहला क्वेश्चन आर और दूसरा पॉपुलेशन इज डिटर्म अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस आप इसका फटाफट लेटेस्टिस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया उसके बाद अभी इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया वाली चीज थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ हम लोगों को समझ में आएगी ठीक है तो आई होप द स्क्रीन शॉट इज डन ठीक है आई होप स्क्रीन शॉट हो चुका है चलो आगे देखते हैं ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से लिया है तो फटाफट से आ जाओ हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं ठीक है तो देखो एरिया ए बी सी डी आपको करके दिया हुआ है शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिपालिटी और कैंटेनमेंट बोर्ड रेफर टू एन आइटम ए ठीक है

एक किलोमीटर आगे और इसकी लोकल लिमिट्स जो है इसका पॉपुलेशन कितनी है इसकी नौ हजार नौ हजार की पॉपुलेशन है ठीक है आई होप आपको बात समझ में आ रही है बेसिकली कह रहा क्या चाह रहा है कि इस वाले एरिया की पॉपुलेशन नौ हजार है और इसके एक किलोमीटर बाद एक किलोमीटर के अंदर अंदर ये ये वाली लैंड है ए ठीक है ये एरिया है ए राइट तो अभी अगर पॉपुलेशन इसकी नौ है तो क्या ये ए कैपिटल एसेट हो सकता है क्या इस एरिया में जो लैंड आएगी वो आपकी कैपिटल एसेट हो सकती है तो दी आंसर नो ठीक है क्योंकि इस एरिया की पॉपुलेशन नौ हजार है ठीक है तो इस नौ हजार वाले एरिया की म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से एक किलोमीटर आगे का एरिया तो आपका कवर नहीं होगा ना हाँ अगर ये दस हजार होता दस हजार से एक लाख के बीच में होता दस हजार होता तब भी नहीं होता लेकिन तो वो आपकी कैपिटल एसेट बन जाती ठीक है टीके? तो खैर इस केस में तो ये कैपिटल एसेट आपका नहीं होगा ठीक है इस केस में यह आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा दूसरा देखते हैं तो यह तो नो आ गया ठीक अब देखो एक ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन बारह हजार है ठीक है बारह हजार के बाद बारह हजार वाले एरिया की जो भी लिमिट है डेढ़ किलोमीटर के अंदर अंदर डेढ़ किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कोई लैंड सिचुएटेड है तो क्या वो कैपिटल एसेट बन जाएगा आंसर इज यस से ज्यादा है एक लाख से कम है इससे दो किलोमीटर इधर तक अगर कोई लैंड सिचुएटेड है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड बन जाती है वो सॉरी वो आपकी कैपिटल एसेट बन जाती है क्योंकि अर्बन एरिया कहलाया जाता है ठीक है तो अभी बारह हजार दस हजार से ऊपर है एक लाख से कम है डेढ़ किलोमीटर के अंदर अंदर का एरिया है बी तो इसके अंदर अगर कोई लैंड सिचुएटेड होगी तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा यस ठीक है अगर पॉपुलेशन ग्यारह लाख है दस लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है ठीक है तो दस लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन होती है तो आठ किलोमीटर तक की लिमिट को देखते हैं कितने दो किलोमीटर डेफिनेटली यस डेफिनेटली यस पॉपुलेशन है अस्सी हजार अस्सी हजार मतलब दस हजार से ऊपर एक लाख से कम अगर दस हजार से ऊपर और एक लाख से कम होता है तो दो किलोमीटर तक की लिमिट देखी जाती है कितने किलोमीटर तीन किलोमीटर ठीक है इधर आओ तीन लाख है पॉपुलेशन मतलब एक लाख से ज्यादा है दस लाख से कम है अगर एक लाख से ज्यादा और दस लाख से कम होती है तो लोकल लिमिट से छह किलोमीटर आगे तक की लैंड देखी जाती है ये कितने किलोमीटर है चार किलोमीटर तो छह किलोमीटर के अंदर अंदर आ रहा है तो इस एरिया में अगर कोई लैंड होगी तो वो आपकी कैपिटल एसेट कहलाएगी ठीक है फिर आगे देखो 12 लाख अच्छा 10 लाख से ऊपर है मतलब 8 किलोमीटर तक का एरिया देखेंगे कितने किलोमीटर पूछा है पांच किलोमीटर यस डेफिनेटली यस ठीक फिर देखो इधर आठ हजार आठ हजार तो अपने आप में ही रूरल है तो ये नो आठ हजार तो अपने आप में ही रूरल है ना तो उसके आगे की तो कितनी भी लिमिट्स हो जाए क्या ही फर्क पड़ रहा है हमें तो ये देखना है अगर दस हजार से ऊपर अर्बन होता है जैसे ये यह, यही वाला हो गया ना आठ हजारों नौ हजारों दस हजार से कम है ठीक है दस हजार से ज्यादा होता तब हम देखते कि उसके आसपास कितने एरिया का है तो आठ हजार इज नो अच्छा देखो चार लाख पॉपुलेशन है मतलब एक लाख से ज्यादा है लेकिन दस लाख से कम है अगर एक लाख से ज्यादा और दस लाख से कम होती है तो उस एरिया के छह किलोमीटर आसपास की जो लैंड होती है वो अर्बन लैंड बन जाती है लेकिन ये सात किलोमीटर है ठीक है, छह किलोमीटर के अंदर अंदर तक की जो भी लैंड होगी वो आपकी कैपिटल एसेट कहलाएगी लेकिन ये सात किलोमीटर है तो इसलिए इसका आंसर नो no. साढ़े दस लाख साढ़े दस लाख मतलब आठ किलोमीटर तक का एरिया आपको देखना होगा ये आठ किलोमीटर है तो ये हो जाएगा आपका यस ठीक है ये हो गया यस फिर पंद्रह लाख की पॉपुलेशन है आठ किलोमीटर तक का एरिया देखना होगा ये नौ किलोमीटर है तो दिस विल बी जो कैपिटल है देखो उसमें क्या क्या हो गया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंडल इमूवेबल टैंजेबल इन टेबल लेकिन इसके अंदर हमारे पास चार पांच एक्सेप्शन था हमारे पास तो हमारे क्यों हो गया? वो का पार्ट बनता है इनकम तो मिलती है वो का पार्ट बनती है एक्सक्लूड हो गया क्योंकि वो हम खुद यूज करते हैं लेकिन पर्सनल इफेक्ट के अंदर छे एक्सेप्शन है छे एक्सेप्शन ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग, पेंटिंग स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट छे जेडीपी साओ राइट उसके बाद रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का क्या मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड सिटे रूरल एरिया व्हाट व्हाट इज 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 अ रूरल एरिया 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 व्हिच नॉट एन 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 अर्बन अर्बन जिसकी पॉपुलेशन से दस से ज्यादा हो अगर दस हजार से ज्यादा और एक लाख के कम है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया हो गई उसके आसपास का दो किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा अगर पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा हो और दस लाख से कम हो तो वो एरिया तो आपका अर्बन एरिया हो गई होगा उसके आसपास के छह किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो तो वो एरिया तो अर्बन एरिया होगा ही होगा और उसके आसपास का 8 किलोमीटर तक का एरिया एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये जो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह है है इनमें कुछ समझाने का नहीं राइट तो जो तीन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि देर शुड बी अ कैपिटल एसेट इससे रिलेटेड सारा का सारा डिस्कशन हो चुका है ठीक है देर शुड बी अ कैपिटल एसेट इससे रिलेटेड सारा डिस्कशन हो गया नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे ट्रांसफर के बारे में ठीक है द कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड तो अभी हम समझेंगे कि भाई साहब ये ट्रांसफर्ड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ठीक है सीधा साधा सेल बोल के काम नहीं चल पा रहा था क्या जो ये इतना लंबा चौड़ा सा ट्रांसफर बोलना पड़ गया ठीक है और क्या वजहें थी जिसकी वजह से सीधा साधा सेल बोलकर काम नहीं चल पा रहा था और ट्रांसफर बोलना पड़ा तो आ जाओ देखते हैं ऐसी क्या वजहें थी जिसकी वजह से सेल से काम नहीं चल पा रहा था ट्रांसफर बोलना पड़ा तो मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट इज डन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर तो मतलब का मतलब होता है क्या क्या ट्रांसफर इंक्लूड ट्रांसफर की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है ट्रांसफर की इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो ट्रांसफर में क्या क्या आता है सबसे पहली चीज सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट ठीक है इफ यू नो वट अ कैपिटल एसेट इज तो उसकी सेल जो है वह आपका ट्रांसफर में आ जाती है तो ट्रांसफर सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट इज कवर्ड इन ट्रांसफर तो ये तो हम लोग पहले क्लास से ही अपना कल से ही हम लोगों ने जब शुरू किया था तभी मैंने आप लोगों को यही एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास एक मकान है मैंने उसको बेच दिया बेचने पर जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट पर मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स ठीक है तो ट्रांसफर के अंदर पहली चीज सेल ऑफ कैपिटल एसेट तो आई गया और क्या क्या चीजें आती है ट्रांसफर के अंदर आ जाओ समझते हैं दूसरी चीज आती है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट का क्या मतलब है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब है जैसे बार्टर सिस्टम में होता था ना कि मैंने तुम्हें अपना कुछ दिया फिर तुमने मुझे अपना कुछ दे दिया मैंने तुम्हें चावल दिया तो तुमने मुझे गेहूं दे दिया कुछ इस टाइप की चीज ठीक है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लो, हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया हम लोगों ने कहा यह सेल थोड़ी है मतलब सेल तो तब होती है ना अगर मैं उसको बेचूं और मेरे को पैसा मिले तो ये सेल थोड़ी किया है तो मैंने एक्सचेंज किया है ठीक है मैं अपने लैपटॉप के बदले मैं अपने लैपटॉप के बदले अगर मोबाइल ले रहा हूं तो मैंने अपना लैपटॉप बेचा थोड़ी है मैंने तो मैंने तो तो लैपटॉप को एक्सचेंज किया है लॉ तो मेकर्स कहते पागल बना रहे हैं हमें लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा थोड़ी होते लॉ मेकर्स लाइक ऐसे नहीं होगा ठीक है अगर आपने अगर आपने अपने कैपिटल एसेट का एक्सचेंज भी किया है अगर आपने अपने कैपिटल एसेट का एक्सचेंज भी किया है तो उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे सवाल ये आएगा कि सर अगर आपने अपने कैपिटल एसेट को एक्सचेंज किया है तो आप सेल वैल्यू क्या लोगे ठीक है सवाल आएगा ना कि मैं अपने मोबाइल को मैंने अपने लैपटॉप को मोबाइल से एक्सचेंज कर लिया ठीक है तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप ऑब्वियसली द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल ठीक है मतलब मोबाइल की वर्थ मेरे को क्यों मिली खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जाने दो अभी ठीक है इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि अगर एक्सचेंज होता है तो उस केस में व्हाट इज द फेयर मार्केट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है एंड बाय द वे जो मैं सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ इसका भी दूसरा नाम है इसका नाम है, नाम है है टेक्निकल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है लेकिन चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे तो दो एसेट और दूसरी चीज हो गई एक्सचेंज ऑफ अ कैपिटल एसेट ठीक है तीसरी चीज आती है रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट इन कैपिटल एसेट ठीक है मतलब रेलिंक्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट अभी इसका मतलब समझना आप लोग तीसरी चीज क्या बोली relinquishment capital asset या चौथी चीज है कैपिटल एसेट रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है त्याग देना ठीक है माया त्याग के इंसान चला वन को ठीक है लेकिन रेलिंक्विशमेंट का मतलब यही होता है कि अब ये मेरा नहीं है अब मैं इसे अपना नहीं मानता ठीक है मेरे पास कोई बहुत कीमती चीज थी मैं कह रहा हूं अब मैं नहीं मानता अब मैं अपना नहीं मानता मैंने अपनी मर्जी से इस कैपिटल एसिड पर जो मेरा हक था उसे रिलिंक्विश कर दिया उसे मैंने कहा कि जा मुझे नहीं चाहिए तेरा मुंह मुझे नहीं चाहिए तेरी ओनरशिप मैं नहीं मानता कि तू मेरा है मैंने उसको रेलिंग कर दिया सरकार कहती है टैक्स मैंने कहा का टैक्स मैंने तो रेलिंग किया

पता चला सरकार को कि कल को आप में से कोई किसी को किसी एक क्लॉज में लूप होल निकालकर किसी एक क्लॉज में लूप होल निकालकर आप सरकार को चकमा दे रहे हो सरकार को कहीं से पता चला सरकार ने अगले साल से अमेंडमेंट डाल दिया और वो वाला क्लॉज भी इंक्लूड कर दिया वो वाली चीज भी इसमें इंक्लूड कर दी ठीक है तो ऐसे काफी सारा होता रहता है एनी वे सो रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट अगर मैं किसी कैपिटल एसेट में से अपना राइट right रेलिंक्विश कर देता हूं अपना राइट right कह देता हूं अब ये मेरा नहीं है आई सीज टू कॉल दैट माई ओन मैं उसे डिस ओन कर देता हूं तो ये रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट कहलाता है और इसको भी लॉ मेकर्स ट्रांसफर मानते हैं दूसरी चीज है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट इन अ कैपिटल एसेट तो मेरे पास सपोज कोई कैपिटल एसेट था मेरा राइट right खत्म हो गया

कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसिड इन स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये रहा मैंने आपको बताया था कि मेरी मेरे पास वो है किताब मेरी किताबों की दुकान है ठीक है तो सपोज मेरी जो किताबों की दुकान है राइट उसमें तो मैं किताबें रखता ही हूँ बेचता ही हूं मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो कुछ किताबें रखता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो कुछ किताबें रखता हूँ तो अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कोई किताब रख रहा हूं अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कोई किताब रख रहा हूं तो वो मेरा क्या हो गया चलो वो वैसे एक्चुअली पर्सनल इफेक्ट हो गया ऐसे कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा वो ठीक है क्योंकि पर्सनली मैं बुक्स रीड कर रहा हूं ना तो अगर मैं अपनी अपनी मर्जी से अपने लिए बुक रख रहा हूं तो वो कैपिटल एसेट तो कहलाएगा नहीं क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा राइट मूवेबल प्रॉपर्टी बाईस इजोन पर्पज राइट तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं

ठीक है तो अभी जो भी मैंने खोला जो भी अपना एग्जीबिशन सा बनाया उसमें मैं पेंटिंग्स को बेचूंगा राइट तो मैंने सोचा कि बेचने के लिए मैं बाहर से तो पेंटिंग्स खरीदूंगा ही खरीदूंगा मेरे घर पे जो पनी है उनको भी उस एग्जीबिशन में लगा देता हूं ठीक है यार हो गया देख लिया जितना देखना तो ये जो मेरे कैपिटल एसेट्स थे इनको मैंने अब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया अभी तक ये जो कैपिटल एसेट्स ये मैं खुद के लिए अपने लिए यूज करता था लेकिन अब जब मैंने बिजनेस भी इसी चीज का खोल लिया अब जब मैंने बिजनेस भी इसी चीज का खोल लिया तो फिर ये मेरा हो गया आ, क्या, ये मेरा हो गया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड ठीक है लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो उस पे भी हमें ट्रांसफर मानेंगे उसमें भी हम लोग उसको भी ट्रांसफर मानेंगे और आप हमें टैक्स दोगे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पर स्टॉक इन ट्रेड तो एक्सक्लूडेड था स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूडेड था लेकिन आप सोचो इससे अगर ये मान लो ये वाला क्लॉज ना होता कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला क्लॉज ना होता तो जो ज्वेलर्स हैं जितने भी आपके ज्वेलर्स हैं उनके साथ क्या होता वो तो मस्त हो जाते कैसे मस्त हो जाते ज्वेलरी खरीद खरीद के ला रहे हैं? ये तो हमारा वो है कैपिटल एसेट है कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट है है धीरे उस उसको अपने बिजनेस में डाल दिया स्टॉक इन ट्रेड बन गया कैपिटल गेन्सेड कैपिटल गेन्स इवेडेड लेकिन सर फिर भी लेकिन सर तो कुछ ना कुछ कुछ तो कमी लग रही है सर पूरी तरह से ना सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं हम इस पर प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है थीके? हम इन भी सभी चीजों पर सब सारे के सारी चीजों पर प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है जैसे कल मैंने आप लोगों को क्या क्या यार कल मैंने जब आपको बताया कैपिटल एसेट ठीक है तो उसके बाद मैंने कैपिटल एसेट आपको पूरा समझाया उसके बाद मैंने आपको उसके एक्सेप्शन बताए उसके बाद उसके एक्सेप्शन के एक्सेप्शन बताए तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें आएंगी समझ में अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है जिसको आप अपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो तो इस कन्वर्जन को भी ट्रांसफर माना जाता है डोंट वरी ना आप पे कोई डबल टैक्सेशन आने वाला है ना आपका कोई नुकसान होने वाला है ठीक है तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैपिटल कैसे जब कोई कैपिटल एसेट स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो उसके क्या टैक्स इंप्लीकेशन होते हैं कितना पोर्शन कैपिटल गेंस हेड में जाता है कितना पोर्शन बिजनेस हेड में जाता है क्योंकि एक ये भी तो सवाल आ रहा होगा ना एक ये भी सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है सर मान लिया कैपिटल मान लिया वो ट्रांसफर हो गया ठीक है मान लिया ट्रांसफर हो गया तो अब उस पर कैपिटल गेन्स पे हमें टैक्स भी देना पड़ेगा बिल्कुल देना पड़ेगा तो टैक्स देने के लिए हमारे पास पैसा कहां आएगा सपोज मैंने आज अपने किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक स्टॉक इन इन ट्रेड ट्रेड में कन्वर्ट किया वो मेरा बिक ही नहीं पाया तो वो स्टॉक इन ट्रेड अगर मेरा बिक नहीं पाया तो सरकार ने तो पता नहीं कैसे अब मेरा गेन वेन निकाल दिया आप कह रही है सरकार लाओ पैसा दो टैक्स भरो मेरे को टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर लेकिन मेरे पास टैक्स भरने के लिए पैसा तो आना चाहिए मैं कहूंगा क्या सरकार से कि मालिक जिस एसेट को बेचने पर आप कह रहे हैं कि जिस एसेट को बेचने पर आप कह रहे हैं कि इस पर टैक्स लगेगा वो एसेट तो आपकी नजरों के सामने पड़ा है ठीक है ना तो फिर इसको भी कैसे ट्रीट किया गया है लॉ में वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे राइट तो अभी तक चार चीजें हो चुकी ट्रांसफर में क्या क्या आता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट आता है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट आता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट आता है रिलिंक्विशमेंट मतलब अपनी इच्छा से उस एसेट को त्याग देना और एक्सटिंग ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट आता है मतलब मैं मेरी इच्छा नहीं थी कि वो उससे मेरा मैं अपना मोह त्याग नहीं पा रहा हूं मैं उससे अपना मोह हटा नहीं पा रहा हूं लेकिन उसकी जो लीगल ओनरशिप थी लीगल राइट right था मेरे पास उस एसेट को यूज करने का वो राइट right अब एक्सपायर हो गया तो एक्सटिंग्विश कर गया चौथी चीज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड अगर मैं किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता हूं तो इस कन्वर्जन को भी ट्रांसफर कहा जाता है नेक्स्ट क्विशन ऑफ कैपिटल एसिड कंपलसरी एक्विजेशन ऑफ कैपिटल एसिड का क्या मतलब है कुछ चार पांच साल पहले एक पिक्चर आई थी बेगम जान ठीक है कुछ लोग रह रहे होते हैं एक घर में ठीक है कुछ लोग एक घर में रह रहे होते हैं और सरकार को उस एरिया में से हाईवे बनाना होता है या ट्रेन बनाना होता है मेरे को याद है बड़ी डिप्रेसिंग सी पिक्चर थी तुम लोग देखना देखना मतलब अगर मर्जी हो तो देख लेना आई एम नॉट द फिल्म आई एम नॉट डिमोटिंग द फिल्म आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ी सी डिप्रेसिंग टाइप की थी सीरियस टाइप की पिक्चर ठीक है द थिंग इज के अगर आपका चलो ठीक है बेगम जान को हटाओ अगर आपका घर है है ठीक आप किसी एक घर पे रह रहे हो आपने एकदम शहर के बाहर जैसे कभी खुशी कभी गम तो देखी होगी ना अब कभी खुशी कभी गम में जिस मकान में जिस में जिस बंगले में ये अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली रहती है वो वो मैंशन है कहां इन द मिडिल ऑफ नोवे

ठीक है हम आपको पैसा देंगे बच्चन साहब कहेंगे अरे ऐसे कैसे मतलब वो यशवर्धन रायचंद मतलब नॉट द रियल अमिताभ बच्चन रायचंद 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 खुशी say, राईचंद। 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 हम राईचंद से हम से आप हमसे हमारा मकान शिफ्ट कराने के लिए कह कैसे सकते हैं अगर आपको ट्रेन की पटरी बनानी है तो आप आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी बनाइए हम कैसे करेंगे सरकार के की ऐसे थोड़ी होता है इज्जत से कह रहे बहुत सारा पैसा लो बंगला खाली कर दो ठीक है सरकार कहेगी इज्जत से पैसा लो तो सरकार ऐसी जबरदस्ती थोड़ी निकाल देगी अगर सरकार ऐसे निकाल रही है कंपल्सरिली अक्वायर कर रही है आपकी हाउस प्रॉपर्टी को या आपके एसेट को तो सरकार उसके लिए पैसा भी तो देगी आपको ठीक है तो अगर क्योंकि सरकार इसके लिए आपको पैसा देती है तो सरकार कहती है पैसा मिला मेरा हिस्सा कहा है मेरा हिस्सा ठीक है तो ये हो जाता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट तो अगर आपका किसी कैपिटल एसेट को सरकार ने acquire कर लिया है तो उस एक्विजिशन को भी ट्रांसफर माना जाता है आपकी इच्छा नहीं थी कि आप अपना मकान सरकार को बेचें और सरकार आपकी नजरों के सामने उस मकान को तोड़ दे जिस मकान में आपका बचपन बीता है आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन अब करें तो क्या करें चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड ठीक है तो इसलिए ये सरकार जब एक्वायर कर लेती है किसी एसेट को तो उस कंपल्सरी कहा जाता है कि ये ट्रांसफर है आगे अलाउिंग पोजिशन प्रॉपर्टी अलाउंग पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मेरा मकान है ठीक है आपको सपोज किराए पर चाहिए या आपको खरीदना है मकान ठीक है मैंने कहा अरे आके रहने लग जाओ आके रहने लग जाओ कागजी कार्यवाही हम लोग बाद में कर लेंगे ठीक है कागजी कार्यवाही हम लोग बाद में कर लेंगे तुम तो आके रहने तो लग जाओ तो अगर मैंने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया इवन दो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है इवन दो मैंने अभी आपको मकान बेचा नहीं है इवन दो कोई सेल डीट पे साइन नहीं हुआ है इवन दो आपने मुझे पैसा नहीं दिया है मैंने आपसे कहा कि आप आके रहने लग जाओ कागजी कार्यवाही हम लोग बाद में ले देख लेंगे तो मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको पोजेशन दे दिया मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको पोजेशन अलाउ किया तो अगर ऐसा होता है तो इसको भी ट्रांसफर माना जाता है

ठीक है तो अगर कोई को ओनर अपना शेयर ट्रांसफर करता है अपना शेयर ट्रांसफर करता है क्या मैं नहीं रहूंगा इसमें तुम रह लो इसमें ठीक है तो इस शेयर को ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हम लोग कैपिटल एसेट की नजरों में ट्रांसफर कहते हैं और सही भी है ना यार सही भी है ना मतलब ऑब्वियसली इट मेक्स ओनली सेंस मतलब ये पॉइंट तो यहां पर डालने की जरूरत नहीं थी तो कोई पक्का टैक्स वेडर रहा होगा जिसने जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट डाला गया होगा एनीवे सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया एंड द लास्ट पॉइंट इज रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स द लास्ट पॉइंट इज रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं बॉन्ड्स इज बेसिकली अ लोन इंस्ट्रूमेंट ठीक है अच्छा बॉन्ड एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फेस वैल्यू कुछ होती है और उस पर कोई कूपन रेट मेंशनड होता है ठीक है उसकी कोई एक मेच्योरिटी होती है तो सपोज अगर मैंने सौ रुपए की फेस वैल्यू का एक बॉन्ड खरीदा जिसका कूपन रेट दस परसेंट है तो मुझे और मेच्योरिटी तीन साल है तो मुझे हर साल हर साल सौ रुपए पर दस परसेंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा सौ रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है दस परसेंट उस पर इंटरेस्ट रेट है ठीक है कूपन रेट इज टेन परसेंट तो मुझे हर साल सौ रुपए का दस परसेंट यानी दस दस रुपए मुझे मिलता रहेगा और तीन साल की मेच्योरिटी है तीन साल बाद वो बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा यानी मुझे पूरा का पूरा सौ रुपया मिल जाएगा तो बेसिकली बॉन्ड एक क्या होता है लोन टाइप का डॉक्यूमेंट होता है ठीक है जिसमें कुछ कूपन रेट मेंशन रहता है और उस कूपन रेट के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है राइट ऑल राइट एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड इस जीरो कूपन बॉन्ड की क्या खासियत होती है कि जो उसका कूपन रेट होता है ना वो जीरो होता है ठीक है मतलब यू डोंट गेट एनी इंटरेस्ट थ्रू आउट द मेोरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड यू डोंट गेट एनी इंटरेस्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द बॉन्ड बट देन सर वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू परचेज इट ठीक है मैं क्यों कोई ऐसा बॉन्ड खरीदना चाहूंगा जिस पर मेरे को आ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा वो बॉन्ड आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि सौ रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है सपोज सत्तर रुपए में मिल गया ठीक है तो सौ रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड आपको सत्तर रुपए में मिल गया और मेच्योरिटी हो गई सौ रुपए पर मतलब मेच्योरिटी के टाइम पर आपको सौ रुपए मिल गया ठीक है तो इवन तो आपको पूरे उस ड्यूरेशन में इंटरेस्ट नहीं मिला लेकिन आपको एक लंपसम अमाउंट जो एट द मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड मिल जाता है ठीक है तो इट इज इश्यूड एट अ डिस्काउंट अ अ अ जीरो कूपन बॉन्ड इज एट एट डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब वही सौ रुपए की पार वैल्यू है सत्तर रुपए सत्तर रुपए सत्तर रुपए में बिक रहा है और उसके बाद जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो आपको सौ रुपए सौ रुपए सौ रुपए मिल जाएगा ठीक है तो अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है और वो रिडीम कर पाते हो आप मतलब आपका मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया एंड नाउ यू वांट टू गेट योर मनी बैक तो इसको भी आप ट्रांसफर कहते हो इसको भी लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये ट्रांसफर है तो आपको रिडेम्शन के टाइम पर जितना पैसा मिला माइनस जितना पे आपने बॉन्ड खरीदा था जो भी आपका प्रॉफिट आया उस पर उस पर आप हमें कैपिटल गेन्स दोगे तो सेक्शन 47 सेवन मीनिंग ऑफ ट्रांसफर मीनिंग ऑफ ट्रांसफर आई होप आपको समझ में आ गई है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन स्टॉक इन ट्रेड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट अलाउिंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ शेयर एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रिडेमशन ऑफ बॉन्ड मैं चाहता हूं

इन ट्रूएस्ट सेंस ठीक है क्योंकि कैपिटल गेन की डेफिनेशन जो हमारा सेक्शन सेक्शन चार्जिंग है है वो क्या बोलता है? कि अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है जिसको आप ट्रांसफर करते हो तो उस ट्रांसफर से अराइज होने वाले गेन पर आप हमें कैपिटल गेन्स टैक्स दोगे इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस ठीक है हमने सबसे पहले बारे हम लोगों ने सबसे पहले बात की कि भाई साहब ये कैपिटल एसेट क्या होता है तो हमें पता चला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो टैंजेबल हो इन टैंजेबल हो चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो ओल्ड बाई दी ऐसे होनी चाहिए इसमें हमें पता चला कि इसके छह सात एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता दूसरा एक्सेप्शन पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता तीसरा एक्सेप्शन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता चौथा एक्सेप्शन और पांचवा एक्सेप्शन मेरे ख्याल से वो गोल्ड वाले थे और आई थिंक आई एम आई एम मिसिंग समथिंग

ठीक है इसके बाद हम लोगों ने पर्सनल इफेक्ट्स के बारे में बात की ये हो गया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात की एक ऐसी खेती की जमीन जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड होती है उसे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है और उसके ट्रांसफर पर जो भी कैपिटल गेन्स अराइज उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता है तो उससे उसके ट्रांसफर पर जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज नॉट चार्ज टू कैपिटल गेन्स सवाल उठता है कि सर ये रूरल एरिया क्या होता है तो रूरल एरिया एक वो एरिया होता है जो अर्बन एरिया नहीं होता है फिर सवाल उठता है कि सर ये अर्बन एरिया क्या होता है तो जिस एरिया का पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा है उस एरिया को आप अर्बन एरिया कहते हो अगर पॉपुलेशन दस हज़ार से ज्यादा पर एक लाख से कम है तो उस एरिया के साथ साथ आसपास के दो किलोमीटर एरिया को भी आप अर्बन एरिया कहते हो अगर पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा और दस लाख से कम है तो उस एरिया के साथ साथ आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया को भी आप अर्बन एरिया कहते हो और अगर पॉपुलेशन दस लाख से ज्यादा है तो उस एरिया के साथ साथ आप आसपास के आठ किलोमीटर के रेडियस के एरिया को भी अर्बन एरिया कहते हो ये पॉपुलेशन ली जाती है सेंसस से अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस और जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो एरियल डिस्टेंस मेजर किया जाता है इन सारे डिस्कशंस के बाद हम लोगों ने बात की बात हम लोगों ने ये एग्जांपल uh, कर लिया इस एग्जांपल में भी बहुत आराम से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया था और उसके बाद हम लोगों ने बात की ट्रांसफर के बारे में कि ट्रांसफर कैसे कहा जाता है तो ट्रांसफर के अंदर हम लोगों ने कई सारे केसेस पढ़े पहला सेल ऑफ कैपिटल एसेट फिर एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ कैपिटल एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ कैपिटल इन कैपिटल एसेट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कंपल्सरी ऑफ कैपिटल एसेट अलाउविंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा एंड दिस नाउ कंप्लीट काइंड ऑफ द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर ठीक है तो जितनी चीजें मेरे को आप लोगों को समझानी थी ना पहले बिफोर गेटिंग इन टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट ठीक है अब जैसे ये वाली चीज हो गई ना टाइप्स ऑफ कैपिटल शुरू करूंगा क्योंकि अब जो है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आने वाला है तो जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आज कौन सा आज ये टुडेज सिक्स्थ हाँ तो कल होगी आपकी नेक्स्ट क्लास कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल को और कल फिर हम लोग भी करना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच टेक केयर गुड नाइट अपना ख्याल रखिए इसको प्लीज रिवाइज कर लेना दीज टू क्लासेस में थीम लाइक लाइक कंप्लीट थियोरेटिकल क्लासेज बट ट्रस्ट मी दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेज ठीक है तो बहुत ध्यान से प्लीज इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा राइट आई सी वेस्ट मोरूर